Fantastic, welcome back to my channel. So I'm back with another video. So in this video I will be just showing you my top best makeup products in 2021. So मैंने जो भी 2021 में मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज किए, बट वो 2021 में जो जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए थे उसमें से कितने मेरे लिए फ्रूटफुल रहे और एक्चुअली कितने मेरे लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स रहे. सी मेकअप इट्स ऑल अबाउट टेस्ट एंड ट्राई. सो जब तक आप उसको ट्राई नहीं करोगे आपके स्किन में वो सूट होता है कि नहीं यू नेवर नो, राइट. सो फॉर दैट यू हैव टू वेयर द प्रोडक्ट, यू हैव टू सी अगर आपके स्किन में वो लिटरली एब्सॉर्ब कर रहा है नहीं कर रहा है, आपके स्किन के लिए वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है. सो आफ्टर दैट यू कैन जज द मेकअप प्रोडक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा बट जिनको नहीं पता है हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में, उनको मैं बताना चाहती हूँ आई डू हैव एक्सट्रीम ड्राई स्किन. सो उसके लिए मुझे थोड़ी दिक्कत रहती है कि मेकअप जो प्रोडक्ट्स है वो मुझे देखना पड़ता है कि जो ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहे. सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप मुझे इतना प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं था एंड इट्स अ लॉन्ग बैक. सो मुझे इतना ऑब्वियसली एज अ बिगनर आपको इतना पता नहीं चलता है, जो आप थोड़ा बहुत रिकमेंडेशन से और या फिर यूट्यूब से देख के सीखते हो तब आपको पता लगता है कि या यू कैन ट्राई दिस और वट एवर प्रोडक्ट. सो द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इट्स लाइक मेरी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है और मेरी ड्राई स्किन में जो प्रोडक्ट सूट करे वो बहुत लिमिटेड है जो मुझे लगता है, क्योंकि यू नो ड्राई स्किन ऐसी चीज़ है जिसमें अगर मेकअप अच्छे से सेट नहीं हुआ तो आपका मेकअप कुछ टाइम के बाद केक ही लगने लगता है और ऑब्वियसली किसको वो चाहिए होगा. सो आई विल बी जस्ट शेयरिंग द प्रोडक्ट्स विच आई यूज इन 2021 और मेरे स्किन के लिए वो काफ़ी सही रहा. सो इफ यू डू हैव अ ड्राई स्किन दिस इज अ रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स फॉर यू गाइज. कुछ बजट फ्रेंडली है, कुछ थोड़े कॉस्टली साइड में है, बट ट्रस्ट मी गाइस वो सारे वर्थ करे हैं एक्चुअली मेरे लिए. इफ़ यू डू हैव अ ड्राई स्किन यू कैन डेफिनेटली गिव अ ट्राई, क्योंकि सबके स्किन टाइप अलग होते हैं. सो आई कॉन्ट टेल यू कि अगर ये मुझे सूट कर गया तो आपको भी सूट करेगा, बट या डेफिनेटली इफ यू वॉन्ट टू गिव अ ट्राई सो या डेफिनेटली दीज आर द फ्यू प्रोडक्ट. सो I don't want to make the intro so long, so let's get into the video. So the first thing जो मैं आपको बताना चाहूँगी that is this color corrector palette. ये Nykaa का color corrector palette है and I am in the shade medium too. So basically this is a really good thing. बिकॉज मैं बताती हूँ, अगर आपको डार्क सर्कल्स है, अगर आपको पिगमेंटेड है, आपको डार्क स्पॉट्स है आपके फेस में, सो ये काफ़ी सही प्रोडक्ट्स है. द रीज़न इट्स लाइक आपको एक ही पैलेट में 6 कलर मिल रहे हैं, सो यू कैन जस्ट यूज एज पर योर स्किन टोन, आप उस हिसाब से यूज कर सकते हैं. एज यू गाइस कैन सी मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज किया है एंड या आई रियली लव दिस प्रोडक्ट. इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत क्रीमी है और ये अच्छे से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है. सो दिस इज द वन बेस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट आई विल सजेस्ट यू गाइस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस Nykaa ब्राउ मस्कारा. और मेरे जो आईब्रोज है उसको सेट करने के लिए और उसको अच्छा सा शेप देने के लिए, उसको अच्छे से फिल करने के लिए दिस प्ले अ रियली इम्पॉर्टेंट रोल. सो प्राइजेस और सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. देंगी बाय एनी चांस आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, आपको चेक करना हो, एवरीथिंग यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट एंड आई रियली लव दिस प्रोडक्ट. दिस इज अ ब्राउन मस्कारा. आपके गैप्स है जो आईब्रोज में आपके गैप्स है उसको अच्छे से फिल करता है. सो मैं आपको स्वाप करके दिखाती हूँ.
सी दिस इज ब्राउन इन कलर, और ये जैसे ही आप लगाओगे ना ये तुरंत ड्राई हो जाता है. सो दिस इज वन अनदर थिंग एंड दिस इज काफी अफोर्डेबल. सो या दिस इज द नेक्स्ट थिंग. अनदर थिंग इज वन ऑफ द बेस्ट, दिस इज आई लाइनर. सो जिसको लिक्विड आई लाइनर पसंद नहीं है उसके लिए दिस इज आई वुड से डील ब्रेकर एंड आई रियली लव दिस. मुझे तो एक्चुअली आता है, लाइक आई एम वेरी प्रो इन लाइनर. आई एम टॉकिंग अबाउट द लिक्विड लाइनर. आई नेवर यूज दिस बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई इन्वेस्टेड किसी भी पेंसिल काइंड ऑफ लाइनर में. सो लेट मी जस्ट शो यू ये कितना पिगमेंटेड है एंड एज यू कैन सी कितना ब्लैक है, रिच ब्लैक कलर देता है एंड दिस इज काफी. ये सी अभी मुझे अप्लाई किए हुए एक सेकेंड हुआ एंड एज यू कैन सी ये ड्राई हो चुका है. सो दिस इज अनदर रियली गुड प्रोडक्ट. आई रियली लव दिस प्रोडक्ट. जिसको इजी फटाफट से जिसको आईलाइनर लगाने के लिए चाहिए, सो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट यू गाइज. आई विल रियली रिकमेंड यू दिस. नेक्स्ट इज दिस आईलैशेस मस्कारा. दिस इज फ्रॉम लॉरियल एंड ओ माई गॉड दिस इज सच अ गेम चेंजर यू गाइज. सो मेरे जो लैशेस है वो बहुत लाइट है बट इससे जो आपको वॉल्यूम मिलता है दैट इज अनबिलीवेबल. इससे काफी सही आपके लैशेस को वॉल्यूम मिलता है और वो एकदम से थिक हो जाता है. सो आपको जितना वॉल्यूम चाहिए उतने आपको स्ट्रोक अप्लाई करने पड़ते हैं. मेरा तो दो स्ट्रोक में काम चल जाता है. सो दिस इज अनदर थिंग आई रियली लव दिस थिंग. मतलब जब से मैंने ये यूज करना चालू किया ना मैं और कोई मस्कारा यूज ही नहीं कर रही. सो दिस इज अनदर रियली गुड थिंग विच आई रियली लव. द नेक्स्ट थिंग इज ये मैंने रिसेंटली ही परचेस किया है बट इसको आई गेस 2 या 3 महीने हुए होंगे, या 2 महीने या 3 महीने हुए होंगे. मैंने रिसेंटली नायका हॉल में भी इसको शो किया था बट ट्रस्ट मी गाइज ये इतना सुपर्ब एंड लिक्विड ब्लश है. मतलब दिस इज माई फर्स्ट परचेस कोई भी लिक्विड ब्लश में. मैं यूजुअली पाउडर ब्लश यूज करती हूँ. सो दिस इज द ब्लश आई एम टॉकिंग अबाउट एंड इसमें काफी सारे अलग अलग शेड्स हैं. आई एम इन द शेड मेलन. सो दिस इज अ रियली पिंकी ब्लश, पिंक सॉर्ट ऑफ कलर विच आई रियली लव एंड आई रियली लव लाइक हाउ इट मेल्ट विथ योर मेकअप और इसमें इतना नेचुरल वाला इफेक्ट देता है. सो दिस इज अनदर थिंग. लेट मी जस्ट शो यू गाइज इसका. सो मैंने इसका एक ड्रॉप लिया है एज यू गाइज कैन सी. अब मैं इसको सी इस एक ड्रॉप से कैन यू सी लाइक वो कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और कितना अच्छा सा ग्लॉसी से इफेक्ट दे रहा है. और मैंने कितना कम सा लिया था स्टिल यू कैन सी द इफेक्ट और सी द रिफ्लेक्शन. ये काइंड ऑफ अ ग्लॉसी भी दिख रहा है. सो आई रियली लव्ड इट हाउ इट मेल्ट्स विथ योर मेकअप एंड आई रियली लव द क्रीम ब्लश. मतलब रिसेंटली मैंने क्रीम ब्लश यूज करना चालू किया एंड I have to say cream blush is something I really love. Like powder blush se bhi zyada mujhe cream blush acha laga. Okay, next thing let's talk about this K Beauty ka eyeshadow. So this is a blue in color. Isko bhi maine recently purchase kiya tha but the pigmentation is I must tell you guys iska jo pigmentation hai let me just show you. See एक ही स्ट्रोक में कैन यू सी हाउ पिगमेंटेड इट इज. और दिस इज काइंड ऑफ अ स्मज प्रूफ एज वेल. सो इसको आप थोड़ा टाइम मतलब यू हैव टू गिव अ फ्यू सेकेंड्स, उसके बाद ये एकदम से ड्राई हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. सो लेट मी जस्ट गिव यू. मुझे कुछ सेकेंड्स हो गए इसको हाथ में अप्लाई किए हुए. अब सी मैं रब कर रही हूं तो भी यू कैन सी द इफेक्ट. सो या दिस इज काइंड ऑफ अ रियली पिगमेंटेड एंड
smudge proof shadow. I really loved it. Next thing, let's talk about this Miss Clarica concealer. This is a full coverage concealer and this is in the cream form. Let me just show you. ये काफी affordable है, काफी affordable है. If you're beginner, I will suggest you just go for this. आँख बंद करके आप इसको ले सकते हो. This is kind of affordable और this works like a wonders. अगर आप no makeup makeup look में सिर्फ ये apply करते हो, foundation नहीं apply करते हो, so it's a good to go. So this is kind of a creamy. Let me just show you इसका जो टेक्स्चर है वो किस तरीके से है. लेट मी जस्ट शो यू दैट एज वेल. सो सी, आपको फाउंडेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. इफ यू वांट टू अप्लाई दिस इन योर फुल फेस, यू कैन डू इट एज वेल. अभी इसको मैं ब्लेंड करूंगी. कैन यू सी इट? फुल कवरेज आपके फेस को देता है. सो yeah, I really love this thing. This must recommend it. And the another thing is this stroke cream. So I know सबको पता ही होगा MAC का ये stroke cream काफी ज्यादा famous है, but this is the first time I just bought this MAC का stroke cream and I really love this product. How effortlessly ये आपके स्किन को ग्लोई बनाता है एंड यू नो काइंड ऑफ एकदम एफर्टलेस आपका जो मेकअप है वो लगता है. सो आई नो काफी नहीं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा, बट टू इंक्लूड दिस इज वेल बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई जस्ट बॉट दिस स्ट्रोक मैक का स्ट्रोक क्रीम एंड हाँ मुझे इसको इंक्लूड करना था. सो दिस इज द अनदर थिंग. मैंने इसमें छोटू सा पैक लिया, इसमें बड़ा सा भी पैक आता है. आई वॉज रियली नॉट श्योर के यू नो इट दिस रियली वर्क्स और नॉट, इसलिए आई बॉट दिस छोटू सा, बट या इट रियली वर्क्स. सो आई विल जस्ट बाय द अनदर बड़ा वाला पैक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर बजट फ्रेंडली थिंग्स. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो दिखी होंगी वो बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है. वो आप इफ यू बिगनर यू कैन डेफिनेटली गो एंड बाय ऑल दिस फॉर यू. आपको खाली अपना स्किन टोन देखना रहेगा, आपके स्किन टोन के हिसाब से आपको शेड चूज करना है, बट इसमें से काफ़ी सारी जो बजट फ्रेंडली चीज़ें हैं दैट रियली वर्क्स. और मैंने एक्चुअली में इनको यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ. सो या, सो दिस इज अनदर थिंग. दिस स्विस ब्यूटी का कंसीलर. सो दिस इज नॉट अ फुल कवरेज बट दिस डज अ जॉब एंड दिस इज काइंड ऑफ अ बजट फ्रेंडली. मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जब मुझे फुल कवरेज नहीं चाहिए होता, गो फॉर द नॉर्मल टू मीडियम कवरेज. So I just go for this and this kind of a pocket friendly. You can definitely buy this thing. I really love this one. Now the another thing, let's talk about again. This is a pocket friendly or this is a Swiss Beauty ka eyeshadow, glitter eyeshadow. And I really loved it. Like this is kind of, मुझे जहाँ तक याद है, this costed me 199. 200 में you will be getting a good amount of eyeshadow. तो इसमें मैंने तीन कलर लिए थे, एक सिल्वर, एक शैम्पेन और एक गोल्डन. जो वर्सेटाइल कलर है वो आप किसी के साथ भी आप चला सकते हो और कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो. सो लेट मी जस्ट शो यू हाउ एग्जैक्टली इट इज. सो कहीं बच्चा है जगह. हाँ, सो सी, लेट मी जस्ट ज़ूम इन फॉर यू गाइस. सो ये काफी ज्यादा ग्लिटर इफेक्ट देता है और दिस इज इन अ लिक्विड फॉर्म जो काफी अच्छे से सूख जाता है. मतलब 199 में आई विल से प्राइस के हिसाब से इट्स नॉट बैड एट ऑल. यू कैन डेफिनेटली गो एंड परचेज दिस. इसमें काफी सारे कलर्स हैं, इसमें यू कैन जस्ट गो फॉर सो मैनी कलर्स. यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ पैलेट, बड़े पैलेट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है बिकॉज वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है. एंड इफ यू आर बिगनर सो यू कैन जस्ट गो फॉर दीज छोटू सा पैक विच इज काइंड ऑफ अ बजट फ्रेंडली. सो दिस इज अनदर थिंग. एंड
the star of 2021. As I told you earlier, I do have extreme dry skin, so मेरे face में मुझे try and error करने के बाद ही पता चलता है कि which really suits my skin. So this is again मिलाने का concealer and this is like 2-in-1. This is a foundation and concealer and which works like a magic to my skin. And the another thing is this K Beauty ka blush. This is a matte blush and I really love this K Beauty. Let me show you the shade. So this is what shade looks like. This is kind of a nudish, kind of a nude in color or pink bahut ho gaya tha. I was looking for something in न्यूड और ब्राउन कलर के टोन में और के ब्यूटी बहुत हाइप में चल रहा था इन लास्ट ईयर. सो आई वॉज लाइक लेट्स गिव अ ट्राई. और मेरा एक रिक्वायरमेंट रहता है ब्लश में कि ब्लश में मुझे वो ग्लिटरी चंकी पार्टिकल्स होते हैं ना, मुझे वो नहीं चाहिए होता है. आई जस्ट वॉन्ट एकदम सिंपल सा वो ब्लश, ऐसे लगे नहीं कि ग्लिटर वाला मुझे नहीं चाहिए होता इन शॉर्ट. So I just discovered this and I really love this. Actually मैं आज भी मैंने वही लगाया है. So this is what I just wore today K Beauty का and this is how the color looks like. I really love this. So this is the another best product I would say for me in 2021. Another thing, ये तो काफी लोगों ने use किया होगा, ये काफी पुराना है और काफी लोगों ने use किया होगा जो आप मेरे videos देख रहे हो. But this is for me, like this is the first time for me जो कि मैंने खरीदा है. This is Maybelline का Master Chrome and I really love this. मतलब ये जैसे उसका hype है, it's exactly like that. I really love this. ये मतलब बहुत सही से आपको glowy and dewy सा effect देता है आपके face में. This is how it looks like, gold champagne in color and yeah, I really love this. मेरा ये first time है. This is the first डब्बा which I'm using. So मैंने इसके पहले Wet n Wild का मैं use, actually मैं अभी भी use करती हूँ, but I just thought to give a try कि मैं अभी कुछ चीज़ों से switch कर रही थी क्योंकि मैं जो मेरे पुरानी चीज़ों में बहुत ज़्यादा comfortable हो गई थी and I wanted to try something new. मुझे कुछ नए चीज़ें use करने थे. So I went for this and I really loved it. So this is the another thing. This is also my recent purchase, but I really love this. So I just wanted to include this into my video. This is Pack का brush. So इसका जो brush, ये ब्रशेस में दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग पैक का ब्रश. लाइक एज एन आई ब्रश तो यूज किया है बट फेस पे कंसीलर फाउंडेशन. सो मैं यूजुअली ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज करती हूँ और वो भी मैंने लिया है. बट मैंने आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव अ ट्राई के ब्रशेस से कैसा रहता है मेकअप. सो दिस इज अ कंसीलर ब्रश, दिस इज अ पैक का and this is really really soft as you can see. I really loved it. Yeah, last but not the least, this is another thing I just wanted to include. This is a makeup remover. This is a cleansing water from Garnier. Again, this is a budget friendly and ये काफी सही product है. So I will definitely recommend this to you guys. Go for it, you will not regret at all. So this is the last thing. So I guess that's it. And yeah, do let me know how you really like this product. मैंने आपको जो मेरे best products थे which I really wanted to suggest you, जो कि मैंने 2021 में use किया था, वो सारी चीज़ें मैंने include की है. Comment section में बताना आपको video कैसा लगा. Like button, share and subscribe. See you in my next video. Till then, bye bye.